और फटाफट नेल्स ना हटवाने पड़ेंगे गाइस। खड़ो खड़ो मीना गुच्चा, अगर आपके भी इतने छोटे बच्चे हैं तो आप भी लहसुन की माला पहनाओ उसे। आप ना हंस हंस के पागल हो जाओगे। ओए रख मत, मेरे को दे। तकिया लगा के ऐसे पड़ा था। अच्छा बेटा स्वेटर पहनो, निकल चल इस घर से, इतना ही टाइम है तेरा। व्हाई यू शॉक चैड रॉक पापा? और आपको पता है, आपको पता है, एक घंटे से पापा बोल रहे हैं। तो तू पुरानी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, क्या हुआ? बस ये है कि भाई देखो, बुलावा आया तो जाना तो जरूर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बचने वाले हैं 8 बजने में 10 मिनट है। मैं उठ चुकी हूँ, पानी जो है गीजर ऑन कर दिया है और फटाफट जाती हूँ चीकू के लिए पनीर का परांठा बना के पैक कर देती हूँ, क्योंकि रात को जो है दाल बनी थी, दाल वो खाएगा नहीं। तुरंत अभी कोई सब्जी बन नहीं सकती, रात को छोले वोले कुछ भी नहीं मैंने भी खोए थे, तो पनीर का परांठा वो शौक से खा लेता है, तो पनीर का परांठा बना देती हूँ फटाफट। तो आपको बच्चों के सारे जो कपड़े हैं वो अंदर लेके ना यहाँ पे सुखा दिए थे, और जो है बाहर से उठा लेते हैं हम आजकल, क्योंकि ना आप लोगों ने बहुत पहले हमें बोला था कि बच्चों के कपड़े कभी भी रात में बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, तो हम कभी भी बाहर में नहीं छोड़ते हैं, सारे कपड़े अंदर उठा के रख देते हैं। और वैसे स्टैंड पे लगाते पर स्टैंड नहीं लगाया था, तो बेड पे ही डाल दिए थे सारे कपड़े। यहाँ मैं उसकी यूनिफॉर्म ले आई हूँ, उसके लिए मैंने स्वेटर निकाली आज, क्योंकि ठंड जो है बढ़ गई है, तो मैंने स्वेटर निकाल दी और बेल्ट और सॉक्स भी ले आई हूँ। और सॉक्स मेरे हिसाब से ये गंदी वाली है, तो ये हटा देती हूँ, दूसरी सॉक्स लेके आती हूँ, इसे धोने में डाल देती हूँ और फटाफट से उसके लिए जो नई सॉक्स लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आयानू मम्मा के पास उठ के आ गया है। मम्मा की ओले पीला बजा, ओले मला बजा। मम्मी ने आटा गूंद के रखा, उसमें हाथ को मार ले। तो आयान को मैंने भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पे फटाफट भाई के लिए जो है लंच रेडी करना है, तो यहाँ पे फ्रेश आटा गूंद लिया है। और मैंने अभी अभी ब्लिंकिट से ना ऑर्डर करके पनीर मंगाया, क्योंकि पनीर भी नहीं था घर पे और सुबह सुबह कुछ बन नहीं सकता था परांठों के अलावा, तो मैंने पनीर मंगा लिया। बाकी सबके लिए भी हो जाएगा और चीकू के लिए भी हो जाएगा, तो फटाफट से अभी फिलहाल चीकू के लिए सिर्फ नमक और हल्की सी मिर्ची डालूंगी, क्योंकि चीकू बाकी मसाले खाता नहीं है। तो मैंने ना बिल्कुल पतला आटा लिया है, क्योंकि चीकू को ना ज़्यादा मोटे परांठे पसंद नहीं है, तो पतला सा आटा लेके उसमें फिलिंग ज़्यादा कर दी है। फटाफट गैस चला दी और फटाफट नेल्स ना हटवाने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि ना नेल्स की आदत नहीं है ना इतने लंबे की, तो फिर वो लग जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर, अमृतसर के आने के बाद जो है नेल्स हटा दूंगी। और दीक्षा के ना नेल्स इतने प्यारे होते हैं, सच में इतने प्यारे होते हैं, हटाने के तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, और जैसा चाहो ना वैसा आर्ट करती है वो, मुझे बड़ा पसंद आता है उसका काम। आईलैश भी बहुत सुंदर करती है। अगर आपको भी इधर चंडीगढ़, मोहाली, कहीं जीरकपुर वगैरह आपको भी लैशेज वगैरह करानी है, तो आप एक बार जरूर दीक्षा को मौका दो आपके लैशेज और नेल्स करने का, बहुत अच्छा काम करती है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज ना सुबह सुबह मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही, इतनी तेज नींद आ रही ना, क्योंकि हम वैष्णो देवी गए हुए थे, तो फिर होता है ना वैष्णो देवी की थकावट हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से आंख खुली, तो बस अभी चीकू के लिए सारे कपड़े निकाल दिए। कह रही थी गाइस कि तू ही नहीं ला दे, तू इसको, मैं कह चुपचाप उड़ जा, हमें अमृतसर जाना है, नहा धो के रेडी भी होना है, तो फटाफट चीकू को भेजते हैं, हम लोग भी नहा धो के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे चीकू के लिए दो टावल रख दिए हैं और साथ ही साथ पानी भर गया, तो बस चीकू को एक काम करती हूँ, चीकू को उठाती हूँ। चीकू उठ जाओ बेटा, कोई गुटली बाबू। तो यहाँ पे चीकू का लंच जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसका फेवरेट लंच है, वो बहुत खुश होकर खाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए रखा है चोकोस, एप्पल, बनाना और पनीर का परांठा। भाई चीकू लेट हो रहा, भाई खड़ा हो। चीकू ओ भाई सुने, ओ भाई चीकू वहां से उठा के लाई, वापस हो गया। ठीक है काम करो, पानी भर दूं, मैं पानी भरा हुआ है। चीकू खड़ा हो। चीकू आपको 16 का इवेंट है बेटा, डांस प्रैक्टिस है, चलो डांस करेंगे, कर सके। खड़ो खड़ो हाउस, खड़ो जो बच्चे, खड़ो खड़ो बैठो। दो मिनट में तो आपका टाइम हो जाएगा खत्म, भैया भी आके बैठ गए बाहर, चलो खड़ो आज बेटा, लेट हो गया। चीकू खड़ो मैं बेटा, खड़ो। गुच्चा मीना गुच्चा, मीना गुच्चा पड़ा। लहसुन की इतनी स्मेल आ रही है ना बच्चों के अंदर से, इतनी ज्यादा, क्योंकि हमने इनको ना रोज, इनका जैसे येलो होता है ना लहसुन, वैसे हम लहसुन की माला बना देते हैं, जिससे कि कोल्ड इनसे दूर रहता है। गाइस अगर आपके भी इतने छोटे बच्चे हैं तो आप भी लहसुन की माला पहनाओ उसे, लहसुन की माला पहनाओ उसे। तो ना गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अरमान जी के लिए ना, कि अरमान जी आयान को प्यार नहीं करते। ऐसा होता है जब उसके घर में एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा सबके गोदी में खेलता है, पर हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों का ना स्लीपिंग टाइम अलग अलग है। आप देखो आयान उठा हुआ है, बाकी 2 जो सो रहे हैं, तो मैं इसके साथ खेली खेली कर रही हूँ, अच्छी क्योंकि पापा भी खेली खेली करेंगे जिसके बच्चे है ना शे कह रही है मम्मा। मेरा सुंदर बेटा, मेरा सुंदर बाबू, मेरी सुंदरी बेटी, मेरी नुंदरी बाबू, मेरे पापड़ू बूपड़ू, मेरा सुंदर बूबरू। क्या हो गया?
हेलो करो मम्मा को। अभी जस्ट इसने ना पापा बोला था, और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना, इसने बंद कर दिया पापा बोलना। पापा बोलो, पापा 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 बोल दो। कल तो मम्मा बोला यानू ने पापा बोलो। हाँ, बोलो। किन्नरी की मुन्नरी पाली बुबली, मेरा बेटा सोना गुग्गा है, महा मेरा बेटा सोना गुग्गा है, महा महा मेरे चंदा बाबू है तू तो। आपका पूरा ध्यान कैमरे में क्यों है? मम्मा पे नहीं है आपका ध्यान? आपका ध्यान मम्मा पे नहीं है? कू भाई कू, मम्मा अच्छी नहीं है? कू भाई कू, हाँ जिंदा मेरे जिंदा बाबू। महाराजा जी को देखो भाई, हमारे महाराजा जी को देखो। हमारा महाराजा जी देखो कैसे लेटता है भाई। हमारा महाराजा कैसा हो? हमारा महाराजा अयान जैसा हो। हमारा महाराजा अयान जैसा हो। क्या हो रहा था बीच बीच में? मैं ट्राई करूँ बात करिए। क्या था ये? प्लीज गाओ ना, खुल के गाओ। हाँ जी गुजी बदी, हाँ जी गुजी बदी, पड़ी दूची पड़ी, ये है मेरी दूची पड़ी, दूची पड़ी। इसका आज ना, आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसने आज क्या करा हुआ था। आप ना हंस हंस के पागल हो जाओगे। मैं अभी थोड़ी देर में पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक हो? नानी उठ गई। चलो नानी को मॉर्निंग करो। बुलावा आ गया था, हम जाके आ गए। अच्छा, बार बार बुलावा थोड़ी आएगा। मेरी गुची पड़ी की बड़ी भैया, गुची पड़ी की बड़ी भैया, चलो निकलो यहाँ से स्कूल के लिए, निकलो यहाँ से स्कूल के लिए। बुड्ढी बाबू ड्राई क्लीन के लिए गई है। ज्यादा तो कोई और हुड्डी पहना दो ना। ऐसे थोड़ी होता है, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कोई और हुड्डी। मैं मोते मम्मा, वो मेरा एक दोस्त है उसने पहनी हुई थी। नहीं तो आपके दोस्त की गंदी हो रही होगी। आपके पास स्वेटर भी है? ऐसा नहीं, आपके पास स्वेटर नहीं है, आपके पास हाफ स्लीव स्वेटर भी है, फुल स्लीव स्लीव भी स्वेटर है। तो मैं वहां जाकर उतार भी दूंगा। उतार दियो फिर, यहाँ से तो पहन के जा। देखो तेरे को इसका वो बताऊँ, सुबह सुबह मैंने क्या देखा। तेरे को उठाने से पहले बच्चों के रूम में गई। इधर मत रखी चाय, इधर नानी को दे दे, नानी को दे दे। तो क्या हुआ गाइस, मैं गई बच्चों सबसे पहले उठते हैं ना, मैं हूँ गोलू हो, कोई भी हो, लक्ष्य हो, मम्मी हो, कोई भी हो, सबसे पहले ना बच्चों को देखने जाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ना अयान के यहाँ कोट वो लगा हुआ था। अयान मम्मी ऐसे कोने पे सो रहा था। हाँ कोने पे सोता है। अयान के ऊपर तकिया पड़ा है। अच्छा, मैंने देखा तकिया, मैंने सबसे पहले तकिया लाया, तकिया लाया के ऐसे पड़ा था। अच्छा, मैंने कहा हिलाया अयान? नहीं हिलाया अयान, नहीं हिला। फिर अयान को गोदी उठाया, फिर ऐसे करता है, डर गए हो गए ना, ऐसे करता फिर बड़ी गहरी नींद में ऐसे दो बार हिलाया, नहीं हिला। उठते फिर जैसे मैंने गोदी में लिया ना, फिर ऐसे करता। क्या होता है, सारा दिन बच्चे सही नहीं सोते हैं, थोड़ा सोए उठे, रात को बहुत गहरी नींद सोते हैं। ये गहरी नींद सोया था बहुत। आओ बेटे थोड़ा सा परांठा चाय। गलत बात है, खाओ। वैसे तो दूध मैंने सोते सोते दूध पिला देती हूँ उसे ना, ताकि पेट भर के जाए। थोड़ा सा ले बेटा, स्वेटर पहनो, निकल चल इस घर से, इतना ही टाइम है तेरा। कहता है मम्मी क्लिप लगा दो, मैं मना कर रही, अभी पीछे वो गया, रोने लग गया, कह रही मम्मी क्लिप लगा। आवाज सुन आई रोने की, कान में बात करते हैं ना, मैं एक्चुअली तब सबके सामने ही नहीं बात करती। बेटा तूबू का है ये, सुना कितनी बार समझाया, ये रो। बाय बाय बाय, जाओ लंच पूरा खत्म करके आना। ठीक है, बाय बाय बाय। भैया सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देखो जो हमारे बच्चे ना वो सारे सबसे हम एक जैसा ही प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। कल कुछ कमेंट आ रखे थे कि जब हम कमेंट पढ़ रहे थे तो अयान मुझे देख रहा था, तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे हमारे ही हैं। कई बार क्या होता है ना, अब देखो ये मेरे हाथ में अभी उठ के आया, अब ये दो सो रहे हैं। पगोलू दिखाई, कहाँ सो रहे हैं दोनों? मैं दिखा के आती हूँ। शॉक क्यों है इतना? Why you shock? Chad Rock? पापा? Why you shock? पापा? और आपको पता है, आपको पता है, एक घंटे से पापा बोल रहा है। पापा बोलो, पापा इधर देखो, पापा 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 बोलो, पापा अभी बोला इसने, मैंने सुना है। तो गाइस यहाँ पे तूबा और अयान दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो चीकू के टाइम पे ना दोनों बच्चे उठ गए थे, 7:30 के करीब अयान उठ गया था जब मैं उठी थी, मेरे से पहले बल्कि अयान उठा हुआ था, और तूबा अभी उठ गई थी। तो दोनों बच्चे अब सो गए हैं, अब ये उठ गए। हाँ बेटी, भाई बहन को दिखा दिया पापा। ऐसे नहीं, इसका अपना अपना मूड है, अपना स्वैग है, बच्चों का अपना मूड है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है नीचे, पुड़पुड़ बहुत देर से कर रहा है ना, कर रहा है गड़बड़, पुड़पुड़ कर रहे बेटे, पुड़पुड़। तो गाइस नहा धो के पूरा मैंने रेडी हो गई हूँ, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं है, आप ये मत सोचना ब्लैक कलर का सूट पहन के जा रही है, ये है ग्रे कलर, ग्रे कलर का सूट जो है मैं पहन के जा रही हूँ अमृतसर। और बस अब फटाफट मैंने बोला गोलू जल्दी रेडी हो जा, और मम्मी जो है नहा चुकी है। मम्मी बस दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। तो तूबू रानी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, क्योंकि इस बार हम सिर्फ और सिर्फ अयान को लेके जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा अभी तक कहीं नहीं गया। उरे 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 बाबा, उरे उड़ी बाबा, कहाँ जा रहे हो उड़ी बाबा? किधर गोलू, कितनी देर और?
5 मिनट और, सिंदूर तेरा मेरा दोनों को हाँ रखा है ठीक है। तो बिंदी जो है मेरी बिल्कुल नहीं हटती, ये कल वाली बिंदी है, मैंने नहाई हूँ धोई हूँ सब कुछ किया तब भी नहीं हटती, मेरी बिंदी का ग्लू बहुत प्यारा है। तू बिल्कुल तूबा जैसी है, तूबा की बिंदी भी नहीं हटती, तूबा सो जाती है ना बिंदी लगा के, तू हटती नहीं है। ये दो बैग पैक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अयान के लिए, क्योंकि हमारे साथ जा रहा है अयान, तो अयान का पूरा ध्यान रखते हुए हमने इसमें उसका कपड़े 3 जोड़ी कपड़े हैं, यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे उसका खाने पीने का सैरलैक वगैरह है, सब कुछ ऑलरेडी मैंने जो है पैक कर लिया है। कुछ भी चीजें जो है ना कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पहला ट्रिप है अयान का, मतलब आसपास तो गया है, कभी दिल्ली कभी अमृतसर कहीं नहीं गया है, तो इसलिए पहली बार जा रहा है, तो कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया जेदू, क्या हो गया, चिढ़ रहे हो आप इस बार, क्योंकि आप नहीं जा रहे, तूबा भी नहीं जा रही, चिढ़ रहे हो है? क्या हुआ? जल्दी चलो लेट हो रहा है मुझे। ठीक है मम्मा, मम्मा हाँ मम्मा के साथ जाएंगे। हाँ मौसी चीनो पूरा अपडेट हो गया। अरे काला टीका नहीं लगाया, काला अभी लगाती हूँ, मौसी चीनो है। यहाँ पे गोलू जो है मम्मी को सिखा रही है कैसे क्या करना चाहिए, सिखा रही है। मैं मम्मी को सिखा रही हूँ, मम्मी क्या करती है ना इंस्टाग्राम पे ना जैसे खुद की रील्स होती है ना उनकी स्टोरी लगाती है, जैसे जो फैन पेजेस होते हैं उनकी भी स्टोरी लगाती है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ वो भी स्टोरी लगाना अच्छा होता है, बट आप रोज मत लगाया करो, कभी कभी अपने ब्लॉग की भी खुद से लगाया करो, क्योंकि लोग क्या होते हैं इंस्टाग्राम की पब्लिक अलग होती है यूट्यूब के अलग होती है, तो आप इंस्टाग्राम पे बोला करो गाइस मेरा ब्लॉग आ गया जाकर चेक करो। समझ तो बस एक वीडियो बन रही है और वो वीडियो मतलब बनने का वेट कर रहे हैं हम, बाकी सब लोग रेडी हैं हम लोग, और हम लोग नहा धो के यहाँ से ही निकल रहे हैं, सिर्फ मत्था टेकेंगे और घर आ जाएंगे, क्योंकि पीछे से दो बच्चे घर पे हैं, दो क्यों 3 बच्चे घर पे हैं, तो उनका भी देखना, चीकू का स्कूल भी है, उसका कॉम्पिटिशन भी है, तो सब कुछ देखना है। तो वैसे मैंने शांति को समझा दिया कि चीकू स्कूल से आएगा, उसको खाना खिला के उसे ट्यूशन भेज देना, ट्यूशन की बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी है। तो बस अभी तूबा गई है शावर लेने और जैद सो चुका है ना, जैद तो सो गया बिना नहाए हुए, बिना नहाए धोए वो सो गया, वो जब उठेगा तो उसके मालिश वालिश करके उसको मिलाएंगे। तो चीकू को वैसे इंट्यूशन तो है कि हम लोग जाएंगे, वैसे मैंने सुबह चीकू को जाने स्कूल जाने से पहले मना कर दिया था कि चीकू हम नहीं जा रहे हैं, जब आपकी छुट्टी होगी तब हम जाएंगे, और जब उसे पता लगेगा ना हम नहीं है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और साथ में अयान को लेके जा रहे हैं और दो बच्चे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा कि आप सिर्फ अयान से प्यार करते हो, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, ये है वो है बोलेगा, जरूर बोलेगा। तो देखते हैं आप कल का उसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बस पर हमें तो यही सोच के निकल रहे हैं कि आना जाना ही करेंगे कहीं। देख मेरी बात सुन, चीकू की गई स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, हमने जो चीकू की छुट्टी की ना तब हुई थी जब बीच में ना फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया था, चलो एक आधे दिन छुट्टी चलती है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 दिन स्कूल जाते हैं, चीकू एक छुट्टी चलती है, बट अब उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना स्टडीज को हम, तो इसीलिए हमने सोचा कि चीकू, और देखो ये भी हमने सुबह पहले उसको स्कूल भेजा है, फिर अयान का सारा सामान सेट किया, फिर ही हम निकल रहे हैं, और जब तक हम आएंगे तब तक चीकू हमें सोया हुआ मिलेगा, मतलब कल भी जो है स्कूल उसको हम ही भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि भाई देखो बुलावा आया तो जाना तो जरूर है। क्या मम्मी, मैं कहूँ उसके स्कूल जाने से पहले पहले हम आ जाएंगे? हाँ हम रुकेंगे नहीं कहीं, जाएंगे मत्था टेकेंगे और आ जाएंगे। अच्छा आना जाना करना, आना जाना करना है क्योंकि बच्चे पीछे दो और है ना, हाँ इसलिए। तो गाइस जैसे कि चीकू बोल रहा था ना मुझे एक छोटी बहन और चाहिए, तो तूबा की एक छोटी बहन आई है, उसकी फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी रुको, और थंबनेल पे भी लगाई है मैंने फोटो। तो हमारे घर में एक और नन्ही परी आई है, एक और लक्ष्मी जी आई है हमारे घर में, और देखो लक्ष्मी जी का तो है ना स्वागत बहुत ही ज्यादा ग्रैंड करेंगे हम, बस अभी अमृतसर से आ जाए उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे, और उसके लिए बहुत सारी चीजें लेके आनी है गोलू और मेरे को, आने के बाद लेके आएंगे। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।